सितारगंज विधानसभा क्षेत्र के शक्ति फार्म बैकुंठपुर में आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के बैनर तले एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह में बंगाली समाज के उत्थान और विकास में अहम भूमिका निभा रहे विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया है। कार्यक्रम में दिनेशपुर रुद्रप्रयाग शक्ति फार्म के अलावा उत्तराखंड में बसे बंगाली समुदाय के लोग भी उपस्थित हुए। इस दौरान आंचलिक बंगाली कल्याण समिति के क्षेत्रीय अध्यक्ष रामचंद्र और राय ने कहा कि सम्मान समारोह का मुख्य उद्देश्य समाज में कुरीतियों को दूर करना है, अच्छे कार्य में लगे लोगों का उत्साह वर्धन करना है और युवाओं को नशे से दूर करना है। आप सबका धन्यवाद जो आज इस मंच पर सजाया है और इसका एक प्रयास किया जा रहा है बंगाली कल्याण समिति की ओर से। हकीकत बात यह है कि सरकारी आई और गई, लेकिन इस विषय में अभी तक कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया जिससे स्कूलों में भी ये व्यवस्था की जाए। हमारे यहाँ जो एक पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित था, यह जरूर धामी सरकार जी और माननीय बहुगुणा जी के निर्देशों से हटा है, किंतु जो वास्तविक अभिजग विद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था है, ये जब तक नहीं होगा मूल रूप से, तब तक बंगालियों का उत्थान होना संभव नहीं है। और यहाँ समिति का मुख्य उद्देश्य यही है कि बंगाली समाज के प्रबुद्ध जनों को, जो हमारे समाज के लिए प्रेरणादायक है, प्रेरणा के कार्य किए हैं, जो आज हमारे समाज में है नहीं, लेकिन उनके कार्यों की प्रेरणा को लेके हमें आगे बढ़ना है। और हमारी जो समाज में सबसे बड़ी हमारे काम ये है कि हम अपने क्षेत्र के सम्मानित लोगों को एक मंच में हम लोग बुलाएं, ताकि हम अपनी भाषा, संस्कृति, कला, उन्नयन और विकास के बारे में हम सोच पाए। रही बात आपने बंगाली समाज के लिए कहा, हमारी बंगाली समाज